अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोकैड के अंदर मॉडलिंग करेंगे। ये एक पिस्टन ड्रॉ किया है, इसको हम देखते हैं इसको लेआउट में कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे अपना एक पेपर साइज सेलेक्ट करना होगा कि मेरा पेपर साइज कौन सा होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ इधर ओपन पे, यहाँ से ऑप्शन आएगा शीट सेलेक्ट का, इस पर डबल क्लिक करना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सी भी एक पर्टिकुलर शीट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने कर दिया ओपन। अब जो मेरा नया पेज खुलेगा, ये मेरी शीट है, इसमें अपने जो पिस्टन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जो मैंने डिज़ाइन किया है, उसके यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगा एज अ 2D। तो सबसे पहले अपने मैं इसको जूम टू फिट कर लेता हूँ, ये मेरे पेपर साइज जो है जूम टू फिट है। अच्छा, अब इस पिस्टन को इस दूसरी वाले फाइल के अंदर कैसे लाना है। इसके अंदर हमारे पास दो, ये देखें, दो विंडोज़ हैं हमारे पास, एक मॉडल विंडो है और एक हमारा टाइटल ब्लॉक है, जहाँ पे हमारा ब्लॉक हमारा ये पेज है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा मॉडल हमने ड्रॉ किया हुआ है दूसरे पे दूसरी फाइल पे, उसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसके मॉडल में ला के उसको पेस्ट करना है। तो ये इस वाली फाइल के मॉडल स्पेस में आ जाएगा। जब वो उसके मॉडल स्पेस में आएगा तो हम आराम से उसको अपने 2D पेपर पर शो कर सकते हैं। पहले यहाँ से मैं उसका व्यू ऐसे यहाँ से शेड एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैं उसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, ये मेरा पिस्टन ड्रॉ किया हुआ है मैंने पहले से, पूरा सिलेक्ट किया कंट्रोल सी और यहाँ पे मॉडल में आके मैंने इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। यहाँ से व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं ऐसी आइसोमेट्रिक, ये मेरा पिस्टन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लेकर आ गई। अब मैं अपने जो मेरा ड्राइंग थी जिसको मैंने लेआउट देना है मैंने इस चीज़ को, उसको अपने मॉडल में लेकर आ चुका हूँ। अब मैं आपसे अपनी शीट में आ रहा हूँ। अब अपने मॉडल से मैंने अपने इस शीट के अंदर अपने मॉडल को कॉल करना है। तो यहाँ से जाना है मैंने लेआउट में, लेआउट में ऑप्शन आएगा आपके पास बेस। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मॉडल फ्रॉम मॉडल स्पेस, ये मेरी मॉडल स्पेस है, तो मुझे यहीं से इसको अपनी पेपर शीट पर लाना है। यहाँ पर क्लिक किया फ्रॉम मॉडल स्पेस, ये देखिए मेरा पिस्टन आ गया। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्रंट व्यू देगा, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये मेरा पिस्टन था, जो इसका फ्रंट व्यू होगा ना, आपको सबसे पहले वो दे रहा होगा, इसका फ्रंट व्यू ये है, तभी आपको वो शो कर रहा है सामने। जब आपने अपनी इस वाले स्पेस में आपने जो चीज़ अभी अपने मतलब मॉडल कॉल किया है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो शेप देगा उसका फ्रंट व्यू देगा। जैसे मैंने लेआउट में मैंने अपने बेस में जाके मॉडल को मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे मुझे इसका फ्रंट व्यू शो कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फ्रंट व्यू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। मैंने क्लिक किया ओके, मैं इसको थोड़ा स्केल बढ़ा रहा हूँ, स्केल में 1/20 कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। यहाँ पे लेकर आ गया मैंने पहला, सिर्फ हमने क्या हमारा काम क्या होता है, सिर्फ इसको जो पहला पार्ट होता है जो कि फ्रंट व्यू होता है उसे फिक्स करना होता है, फिर उसके रिस्पेक्ट से हम सारे व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू हम उससे बना सकते हैं। मैंने इसको फिक्स कर दिया, ओके कर दिया। अब इसी के रिस्पेक्ट से मेरा टॉप व्यू बनेगा, इसी के रिस्पेक्ट से मेरा राइट साइड व्यू बनेगा और इसी के रिस्पेक्ट से मेरा ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। देखिए ये सारे व्यू मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया। जैसे ही आप सारे व्यू जिसके सेलेक्ट करेंगे, आपने एंटर प्रेस करना, तो आपका ये ड्राइंग जो होगी वो 2D शेप में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो एस सी आई सीमेट्रिक व्यू है इसको मैंने 3D देना है, 3D स्ट्रक्चर देना है, तो डबल क्लिक करना है इस पर। और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है हिडन लाइंस का, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी हिडन लाइन है, ये भी हिडन लाइन है, तो यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया शेड विद एजेस। थोड़ा इसको अच्छा टेक्स्चर देने के लिए मैं इसकी थोड़ी जो आउटलाइन है उसको भी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। अब ये वाला मेरा जो मॉडल है ये एस सी आई सीमेट्रिक मॉडल है, इसको मैंने कलर फॉर्म में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी चीज़ का डिटेल व्यू चाहिए, जैसे पिस्टन रिंग्स हैं, मुझे इस पिस्टन रिंग्स का डिटेल व्यू चाहिए, तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है डिटेल का, इसे मैंने क्लिक किया। अब सबसे पहले पूछता है कि आपको कौन से शेप का या कौन से ऑब्जेक्ट का डिटेल व्यू चाहिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका डिटेल व्यू चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप अपने डिटेल व्यू पर सर्कल ड्रॉ कर लो, वो आपको सर्कल का डिटेल व्यू दे देगा, या अपने डिटेल व्यू पर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, आपको उस रेक्टेंगल का डिटेल व्यू दे देगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल यूज़ कर रहा हूँ,
सिंपल मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना, सर्कल के अंदर जो भी कुछ आएगा, देखो मैंने सर्कल के अंदर इसकी रिंग्स लेकर आई है, तो यहाँ पे मुझे इस रिंग्स का डिटेल व्यू दे देगा। सिंपल आपको सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये देखो इसका डिटेल व्यू मुझे दे रहा है। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया स्मूथ विद, अब इसमें क्या करेगा स्मूथ, इसमें क्या होगा, सिर्फ मुझे इसका डिटेल व्यू दिखाएगा लेकिन मुझे शो नहीं करेगा कि कहाँ से डिटेल व्यू लेकर आया हुआ है, सिर्फ नीचे लिखा हुआ आएगा, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ ना ए, तो इसके नीचे लिखा हुआ आएगा लेकिन मुझे शो नहीं करेगा कि कहाँ से डिटेल व्यू लेकर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा स्मूथ विद कनेक्शन लाइन, तो मुझे शो भी करेगा डिटेल व्यू आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, ये वादा आसान होता है। जैसे आपने डिटेल व्यू लिया तो आपने सिर्फ इंटर प्रेस करना है, ये आपका डिटेल व्यू यहाँ पर आ चुका है। क्या शो कर रहा है, डिटेल व्यू है किस किस का है, ए का है यहाँ पे, ये है इसका स्केल जो भी था उसने उसका स्केल क्या किया, 16 टाइम इंक्रीज कर दिया, 1/16 कर दिया उसका स्केल। अच्छा इसका मैं लेता हूँ, अब अगला मरल आता है सेक्शन व्यू का, कि सेक्शनिंग कैसे करते हैं। मेरे पास ये एक पिस्टन का ये राइट साइड व्यू है, इसको मुझे हाफ सेक्शन करना, सेक्शन व्यू यहाँ पर दिखाना है मैंने, तो उसके लिए ऑप्शन आता है सेक्शन का, इसे मैंने क्लिक किया। अब सबसे पहले पूछते हैं हमसे कि आपको कौन सी अपनी जो शेप है किसको सेक्शनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको सेक्शनिंग करना, मैंने इसे क्लिक किया, अब बोलता है कि अपनी सेक्शन लाइन ड्रॉ करो, मैंने यहाँ पे सेक्शन लाइन ये ड्रॉ कर दी। सिर्फ आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करना और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, जैसे भी इंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखो उसका सेक्शन व्यू आपको दिखा देगा, ये इसका सेक्शन व्यू इसने शो कर दिया। जैसे आप सेक्शन व्यू यहाँ पे रख ले, आपने सिर्फ इंटर प्रेस करना है और आपका यहाँ पे सेक्शन व्यू बनकर आ जाएगा। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये सेक्शन व्यू है किसका, बी डॉट बी, ये आपकी जो सेक्शन लाइन है इसका व्यू है। फिर मरहला आता है डायमेंशंस का, कि इसके डायमेंशन कैसे करें। डायमेंशन के लिए आप आएंगे एनोटेट के अंदर, एनोटेट में ऑप्शन आता है डायमेंशंस का, लेकिन इससे पहले आपको अपना डायमेंशन स्टाइल सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी आई एम डायमेंशन स्टाइल, मैं पर डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई करता हूँ, नंबर ऑफ पोजीशन में इसकी 0.0 रख लेता हूँ, यहाँ पर डेसिमल ठीक है, ओके क्लोज। अब यहाँ से इसको मैं करता हूँ डायमेंशंस, ऐसे मैंने डायमेंशन सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट करके सही ले आता हूँ। वापसी गया लेआउट, बस पर सिंपल लेआउट को जाना है, सेक्शन पे क्लिक करना है, इसकी सेक्शनिंग करनी है मैंने, और सेक्शनिंग यहाँ से बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे करनी है, इंटर, सेक्शनिंग मुझे यहाँ चाहिए। कुछ बेहतर है, पहले जो इसकी नीचे लिखा हुआ था वो इस पर इसके साथ कॉन्साइड कर रहा था। अच्छा इसमें इसका बाय डिफॉल्ट वो देगा स्केल, क्योंकि मेरे जो ड्राइंग है उसका बाय डिफॉल्ट स्केल मैंने 1/1:20 रखा हुआ, तो जो सेक्शनिंग हम करेंगे उसका स्केल बाय डिफॉल्ट हमें वही देगा। अब डायमेंशन में आते, मैंने एनोटेट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्लिक किया डायमेंशन पे, फॉर एग्जाम्पल इसकी मुझे इसका डाया देना, डाया इसका यहाँ से लेंथ है इसकी, ये 47 आ गया, दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट दे दी, ये 31 आ गया, ये इसका 4 आ गया, और इसके अंदर वाला जो पिस्टन स्पेस है मेरे पास, और मेरे पास 2 आ गया। अच्छा मुझे डायमीटर इसका देना है,
इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अच्छा ये लेंथ भी होगी हमारे पास। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि ये साइज देना है हमने इसमें। अब फिर डायमेंशन में आए फर्स्ट पॉइंट और इसका ये सेकंड पॉइंट। इसकी ये वाली डायमेंशन भी रहती है, इसका भी दे देते हैं। आप फिर डायमेंशन पे क्लिक किया, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। अच्छा इसका डायमीटर ये 47 हो चुका है वैसे। सेक्शन में की डिटेल मैंने इसको प्रॉपर प्रोवाइड कर दिए। अगर इसके अंदर कुछ राइटिंग वगैरह करनी है, कुछ टाइप वगैरह करना, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सिंपल है कि हमने एक मॉडल लिया था पिस्टन, और उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू का डिटेल व्यू है, ये मेरा साइड व्यू का सेक्शन व्यू है, और ये मेरा एस सी आइसोमेट्रिक व्यू है। फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं कंट्रोल एस सी कमांड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।